कि पहले तो छलिए उंगली दबाया पहले तो छलिए उंगली दबाया मीठी मीठी बातें किया हमें फुसलाया बाजार ले कई उसको तोहफा दिलाया बोला चलो किसको संदीप तिवारी भैया संदीप तिवारी ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच एक से ब्राए ढोलक पर संपर्क कर रहे हैं हमारे कमल भाई के लिए एक से ब्राए वाह वाह क्या बात हमारे साथी कलाकारों के लिए एक से ब्राए भाई उमेश भाई के लिए वाह वाह मंडल के सभी कलाकारों को आपने पुरस्कृत किया है परमात्मा कृपा पर बनी रहे बहुत बढ़िया गाना इस धुन पर लगभग 4-5 गीत में गा चुका हूँ सबसे ज्यादा इस धुन को हमने ही धुना है कभी मेरे मन की किया ही नहीं महंगा उठाया बड़ा महंगा बेदर्दी ने दिया ही नहीं क्रांतिमाला जी गीत को केवल सुन लेना जवाब बड़ी आसानी से आएगा क्या बात ये वाले भैया पप्पू शर्मा जी ये है ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच भैया शिवम सिंह जी शिवम सिंह जी पप्पू शर्मा जी संदाना शिवम सिंह शिवम भैया आपकी तरफ से 201 ब्राएं अपना प्राप्त है संगठन क्यों लहंगा मंगाया बड़ा महंगा बेदर्दी ने सिया ही नहीं सिया क्यों नहीं क्यों कि लहंगा सिया क्यों नहीं उसने सिलाई पिछली दिया ही नहीं बहुत छोटा गाना दे रहा हूं जिस समय कैकेयी ने दोनों वरदान मांग लिए पहले वरदान में व्रत के लिए राजगद्दी दूसरे वरदान में प्रभु राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया
प्रभु राम जी वनवास के लिए चले गए, दशरथ जी के प्राण भी निकल गए, ननिहाल से भरत शत्रुघ्न आए। जैसे ही भरत को देखा कह के ही दौड़ी, कहा बेटा आओ, तुम्हारा ही इंतजार था, चलो अयोध्या का राज सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये बात और क्या, भरत जी ने सुना, दादा आप पेड़ पर चढ़ जाएंगे। एक पे हूँ मोही भावन जी का पुत्र भरत कहूँ मंगल टीका, कहे के गई राज ले कहे के कई राज ले लो हे बेटा। भरत जी ने धिक्कारा, मंथरा प्रचरण का प्रहार भी कर दिया, अगर मेरे भैया राम वनवास में हैं तो मैं भी अयोध्या नगर में निवास नहीं करूंगा। कहे के कई राज ले लो हे बेटा, झिझकना नहीं साज ले लो हे बेटा। देना कि बैठी है मांगे मांगे मैया हो, कि बैठी है मांगे मांगे मैया, पर छैया ने लिया ही नहीं। देना तो चाहे हूँ देवैया, लिवैया ने लिया ही नहीं। देना तो चाहे देवैया, पल्ली भैया ने लिया ही नहीं। दादा गाना सुन लेना, इनकार कर दिया। ऐसे गाने लिखे जाते हैं और क्या, नंदी ग्राम में कुटिया बनाकर रहने लगे। दादा पेड़ पर चढ़ने वाले हैं। ये मेरे भैया शिव मंगल मिस्त्री सेवई सदस्य हैं आप, आपके द्वारा एक से एक सराय प्राप्त हो रही है। क्यों कहा महाराज का किया ही नहीं, कि देना तो चाहे देवैया लिवैया ने लिया ही और ये 5 राव का पुरस्कार मेरे भाई ललन शर्मा जी, अहमद खेड़ा, मोहनलाल आप द्वारा प्रदान है। बाबा कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। जय हो। एक और देखो गीत लिखा कैसे जाता है। बैठी है मांगे मांगे मैया, पर छैया ने लिया ही नहीं। प्रभु राम वनवास के लिए निकले, रास्ते में गंगा पार करना है। केवट को बुलाया, केवट ने मना कर दिया, कहा प्रभु पहले चरण पखारूंगा तब नाव पर बिठाऊंगा, कारण तुम्हारी चरण की रस से अहिल्या पत्थर की शिला से नारी बन गई, कहीं हमारी नैया भी नारी ना बन जाए। प्रभु मान गए, कहा ठीक है आइए चरण पखारिए।
केवल ने चरण पखारे, चरणामृत का पान किया। उसके बाद प्रभु राम ने संकेत किया माता जानकी को, चौपाई नहीं मिल रही, संकेत किया इसने पार उतारा, इसको उतराई देनी चाहिए। क्रांतिमाला जी, प्रभु राम की उतराई तो उसने ले लिया चरणामृत के रूप में, उतराई बाकी रह गई लक्ष्मण और सीता की। लक्ष्मण और सीता की चौपाई मिल नहीं, सीता जी ने मिलता की बड़ी डरी मन मुदित उतारी। दो लोगों की उतराई बाकी थी तो मड़ी यानी चूड़ा मड़ी और मुदरी सीता जी ने उतारी, केवट को दे दिया जाए। कहे कृपाल ले उतराई केवट चरण कहे अकुलाई। कहे कृपाल ले उतराई केवट चरण कहे अकुलाई। केवट ने हाथ जोड़ दिए, कहा प्रभु जैसे एक नाई से दूसरा नाई बालों की बनवाई नहीं लेता, तो एक केवट दूसरे केवट से उतराई कैसे ले ले। अरे हम तो केवल नदी से पार करते हैं, आप तो भवसागर से पार करते हो। कि हम उतरैया तुम उतरैया उतरैया से का उतरैया। कभी ध्यान इस पर दिया ही नहीं, देना तो चाहे देवैया खेवैया ने। केवट ने भी नहीं लिया, फिर ती बार मई जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। अंतिम टुकड़ा, क्या बात है, वाह, इधर से आ जाओ। क्रांतिमाला जी सुनिएगा, वाह ये ले, क्या बात है, वाह। दो दो नहीं मिल पा रहा है, एक उपहार और एक सेक्स ड्राइव। किशन लखनवी जी रचनाकार आसियाना लखनऊ, क्या बात ये है, समझो गीत लिखा कर रहा है आपने, और को गीत अंतिम पंक्तियां दे रहा हूं। बर्फ ने नहीं लिया, केवट ने नहीं लिया, तमाम पात्र आपको मानस में मिल जाएंगे। और क्या, जिन्होंने नहीं लिया देना, देने वाले देना तो चाहते थे लेकिन चौपाई नहीं मिलेगी। दादा देखो गीत लिखा कैसे जाता है, बाल बाल पर धनुष बाण से प्रहार कर दिया प्रभु राम ने, बाल घायल पड़ा है। तो इस काम चलाओ, बाल घायल पड़ा है। प्रभु राम ने कहा बाल अगर तुम चाहो मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। बाल ने कहा प्रभु मुझे जीवन दान नहीं चाहिए, मरना तो एक दिन वैसे भी पड़ेगा, आज मरूंगा तो आप मेरी नजरों के सामने हो, ऐसी मृत्यु भी सबको नसीब नहीं होती। बन नहीं रहा, घायल जटायु मिला, जटायु से भी प्रभु राम ने कहा जटायु तुम्हें जीवित कर दूं, जीवन दान दे दूं, तुम नहीं मरोगे। जटायु ने भी कहा क्या,
कहा प्रभु अब मुझे भी जीवन दान नहीं चाहिए, मना कर दिया। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा, एक सुनाए हमारे भैया शिवरंग जी। वाह, एक सुनाए भैया संतोष शुक्ला जी, राजा मऊ बसरावा राय। क्या बात है, आत्मदान है। वाह, कि भी हंसी कहे अस करुणा निधारा, अचल करूं राखूं तन प्राण। करुणा निधाना, अचल करो राखा उतन, तुम नहीं मरोगे तो आज कमल प्रभो या हरे राज कमल प्रभो क्या कर दे कर आज हरे राज कमल प्रभो क्या करूं ये वर नहीं मिलता सबको है ऐसा अवसर किसी का जिया सोचो किसी का जिया ऐसे जिया ही नहीं जीवन तमाम लोग जिए और क्या, लेकिन अंतिम समय में भगवान सामने हो तो भगवान की गोद में प्राण निकल रहे हो। किसी का जिया ऐसे जिया ही नहीं देते तो है रघु रैया देते तो है रघु रैया उड़ैया ने लिया ही नहीं उड़ैया यानी जटायु सोचो सोचो देते तो है रघु रैया पर लड़ैया ने लिया ही सबके लिए 100-100 रुपए क्या ये है, और ये एक से एक सुनाए हमारे लिए, और एक से एक सुनाए हमारे साथी कलाकार हैं, 400 में 5 धन्यवाद है हमारे भैया शिवम सिंह पप्पू शर्मा जी, एक का संदाना ऑल इंडिया कीर्तन प्रचार मंच की तरफ से शिवम सिंह कन्नौज, एक कम है राधा पीएम आवास आपके द्वारा एक से एक कम है, एक कम है पप्पू भाई, 1 2 3 4 5 6 हो गया हो गया सही। एक सूचना है, एक गाड़ी जिसका नंबर है 5672 रास्ते में खड़ी है, उसको आप रास्ते से अलग कर दें, जिसे जिनको जाना है वो गाड़ियां निकल जाए, 5672 के ड्राइवर साहब जहां भी हो वो गाड़ी हटा लें रास्ते से। एक से एक ड्राइवर भैया एकदम से प्रदान है साथ में ये सूचना, धन्यवाद है बहुत सुंदर जवाब और सवाल के साथ में फिर आ रही है क्रांति माला जी, आइए स्वागत आइए। छलिया ने अंगुली दबाया Thank you.
सदस्य हमारे सम्मानित पप्पू भैया पप्पू शर्मा जी संधाना के निवासी हैं और पप्पू भैया का प्रेम न जाने कब से हम लोगों के साथ बना रहता है। ये हमारा परम सौभाग्य है। 201 मुद्राएं आपने उसमें 101 मुद्राएं मेरे लिए और 101 मुद्राएं हमारे राजकमल दादा के लिए दिए हैं और 50 मुद्राएं हमारे अनिल पांडे चाचा के लिए। और हमारे संदीप भैया के करकमलों से 101 मुद्राएं बेहतरीन साउंड सर्विस के ऑपरेटर हमारे केशव भैया के लिए लीजिए। केशव भैया, केशव भैया, ये पुरस्कार आपका ले लीजिए। और हमारे भैया पप्पू शर्मा जी के माध्यम से हमारे सभी साथी कलाकारों को आपने 101 मुद्राएं भेंट दी है। हम चाह रहे एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे पप्पू भैया के। अच्छा, और हमारे शिवम भैया की ओर से भी ये ढेर सारा पुरस्कार है। हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। सुनिए, और एक बड़ा पवित्र स्थान, पवित्र धाम, पुल की मरी माता लखनऊ, एक बहुत अच्छा स्थान, पवित्र धाम है माता का, पुल की मरी माता। हमारे आदरणीय बुद्धूलाल बाबूजी यहाँ उपस्थित हैं, उस समिति के सदस्य हैं आप। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बाबूजी का स्वागत कर दीजिए। और बड़ा सौभाग्य है, पुल की मरी माता की कृपा बहुत बार मिली है और ये उन्हीं का चमत्कार है। नाम मरी माता है उस दरबार का, लेकिन उनकी कृपा से क्रांति माला जिंदा बैठी है। ये मां की कृपा ही तो है। बहुत धन्यवाद बाबू जी। सुनिए, तो घूंघट में मुखड़ा छिपाने लगी नातों की निंदिया उड़ाने लगी, बाजार गई के लेके मैं उसको तोहफा दिलाया ना, बोला चलो खिसको सम्मानी संदीप तिवारी भैया आपके करकमलों से 501 मुद्राएं हैं। और एक बार जोरदार तालियां बजाकर भैया का सम्मान कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का, दोबारा गा दीजिए। के घूंघट में मुखड़ा छिपाने लगी तो रातों की निंदियां उड़ाने लगी तो बाजार गई लेके मैं उसको तोहफा दिलाया ना, बोला चलो किसको कभी मेरे मन की किया ही नहीं तो लहंगा मंगाया
वालों से 101 मुद्राएं भेंट हो रही है हमारे साहिल भैया के ढोलक पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को, धन्यवाद है। अरे वाह पप्पू भैया, और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे श्री राम बाबू जी, हमारे बाबू जी के कर कमलों से 101 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये पप्पू भैया हमारे सभी कलाकारों का, साथी कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं, क्या बात है, एक बार तालियां बजा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच पूरे भारत वर्ष में छाया है और उसका एक हिस्सा हमारे पप्पू भैया जो तमाम सारा पुरस्कार दुलार दे रहे हैं, धन्यवाद है। और पप्पू भैया अभी आपने सुना कि शशिराज कमल जी कह रहे थे, क्या नाम भैया का, शिवम भैया, शिवम भैया भी ऑल इंडिया कीर्तन परिवार से जुड़े हैं और शिवम भैया की ओर से भी ये ढेर सारा पुरस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। अभी आपने सुना हमारे शशिराज कमल जी कह रहे थे के, और ये पिटिया की तरफ से पुरस्कार है, आपने नाम लवकुश साहू जी बताया है, लवकुश साहू जी की ओर से ये पुरस्कार है, धन्यवाद सबके लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए हमको मिल चुके हैं। ये 501 मुद्राएं हमारे सभी साथी कलाकारों के लिए, हमारे शिवम भैया, पप्पू भैया, संदीप भैया, आप सबकी तरफ से है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार व्यक्त करें पप्पू भैया, ईश्वर आपकी झोली भरी रखे। और अभी आपने सुना शशिराज जी कह रहे थे, लहंगा सिलाया बड़ा महंगा, बेदर्दी ने दिया ही नहीं। अब आप कहने लगे कि लहंगा सिलता कैसे, सिलाई तुमने दिया ही नहीं। बहुत बढ़िया ससुराल जी, बहुत सही सोचते हो। लहंगा मंगाया बड़ा महंगा, आप कह रहे सिलाई तुमने दिया ही नहीं, सिलाई तो देना बाद में तुम, अरे पहले नाम दिया ही नहीं। कितने नंबर लगता है, बार 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 आप कह रहे राजकमल दादा आए हैं, लिखो दादा, दादा ऐसे लिखो, दादा चौपाई लिखो। अच्छा दादा आज हमारे साथ क्यों आए हैं ससुराल जी, उसका कारण है तुमने उनको आज फोन किया ही नहीं। वैसे तो वो तुम्हारे साथ जाते हैं लेकिन आज तुमने फोन उनको किया ही नहीं। उनका गीत उनके सामने गाते ये ठीक तुमने किया ही नहीं। लहंगा मंगाया बड़ा महंगा, दर्दी ने दिया ही ये जो पुरस्कार उपहार आप लोग देते हैं, मैं समझ रही हूँ क्रांति माला इन्हीं कीर्तन जगत का हर कलाकार जो आप लोगों से जुड़ा है वो आपका ऋणी है, आपका कर्जदार है, क्योंकि इतना सम्मान प्यार दुलार कलाकार अपने घर में आपको बुलाकर नहीं दे पाता जितना आप लोग मंच पर बुलाकर उसको देते हैं। तो मैं चाह रही हूँ एक बार जोरदार तालियां पूरे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के लिए होना चाहिए। और अरे वाह हमारे दिनेश भैया भी आ गए, आप पर भी नजर पड़ रही है, मैं हृदय से नमन कर रही हूँ दिनेश भैया। और हमारे आदरणीय सम्मानीय इस ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के संस्थापक भैया हमारे राकेश वर्मा जी, आपकी ओर से ढेर सारा आशीर्वाद बरस रहा है फूलों के रूप में और धन के रूप में। मैं भैया को हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ और आपके परिवार के सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। राकेश भैया हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कीर्तन की पताका को इसी तरह लहराते रहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमारे संदीप भैया ने हमारे आदमी सम्मानी चचा अनिल पांडे जी का भी स्वागत किया है पुरस्कार देकर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दादा राजकमल जी का भी आपने मंच पर स्वागत किया है संदीप भैया ने, हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए जवाब सुनिए बहुत शीघ्रता में। सुनिए कभी मेरे मन की किया ही लहंगा मंगाया बड़ा महंगा राजेंद्र गुड़िया फोटो स्टूडियो के माध्यम से है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया को मेरी ओर से धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं भाजपा मंडल मंत्री भैया अरुण द्विवेदी जी आपके कर कमलों से हैं, मेरी ओर से अरुण भैया यहाँ बैठे हैं तो मेरा नमन स्वीकार करें, बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार व्यक्त कर रही हूँ। 101 मुद्राएं चौधरी खेड़ा से आए भैया विजय यादव जी आपकी ओर से हैं, आपको भी धन्यवाद है। और एक ऑनलाइन पुरस्कार हमारे फोन पर भेजा है हमीरपुर से हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री बबलू मिश्रा जी, कामतगिरी मौरम उद्योग के मालिक हैं आप, आपकी ओर से 1100 रुपए का मूल्यवान पुरस्कार, एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत कर दीजिए, बहुत बहुत स्वागत है। और अगर हमारे बड़े भैया बबलू मिश्रा जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो मैं सादर प्रणाम कर रही हूँ और माता रानी से आपके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ भैया, धन्यवाद। सुनिए सुनिए गीत आपने सुना है कि देने वाला दे रहा है पर लेवैया ने लिया ही नहीं, बहुत बढ़िया गीत है ससराज कमल जी आपका, इसमें कोई श्रेय नहीं है, इसमें श्रेय है राजकमल दादा का जिन्होंने इतना बढ़िया गीत लिखा कि दे रहा है देने वाला पर लेवैया ने लिया ही नहीं। और फिर जहाँ जहाँ आपको मिला कि देने वाला दे रहा है पर लेने वाला ले नहीं रहा है, तो ऐसी कोई बात आनी चाहिए तो कोशिश कर रही हूँ जवाब वहीं से है। सुनिए सुनिए सवाल आपने जहाँ से दिया है मैं जवाब वहीं से दे रही हूँ, बार बार आप कर दे चौपाई नहीं मिलेगी तो सुनिए सुनिए। जब केकई ने दो वचन मांगे तो गोस्वामी जी ने लिख दिया के ऋषि पर हरो अब मंगल साजू, कोई छूट मिली नहीं है, उसका कारण है कि कार्यक्रम शुरू हुआ भैया ने कहा थोड़ा जल्दी हो जाए, तो ये जो प्यार बरस रहा है लोगों का, अगर हमारे साहिल भैया की थोड़ी सी मेहनत अच्छी लग रही हो तो एक बार इनके लिए तालियां बजाकर इनका स्वागत कर लूंगी। ये कलाकार भी बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, ये चमड़ा कूटना साधारण काम नहीं, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, तो जवाब सुनिए ऋषि परिहारो अब मंगल साजू
कछु दिन गए भारत जुगराजू। वो स्वामी जी ने संदीप भैया सुनिएगा जवाब और आकर भी आप भी सुनिए सुनिए। वो स्वामी जी ने लिख लिया केरी सिपरी हरुआ मंगल साजू कछु दिन गए भरत जुबराजू। लेकिन दुनिया के लोगों ने अयोध्या के लोगों ने राम के वन जाने की बात की लेकिन राजा दशरथ ने अपने मुंह से एक बार भी नहीं कहा कि राम बन जाएं। तो मेरी पंक्ति कह रही है ऋषि परिहारू अब मंगल साजू कछु दिन गए भरत जुबराजू। अब तो रोश राजा दशरथ कहने लगे हे कैकेयी के अब तो रोश मिटावो रानी के अब तो रोश मिटावो रानी और तू सरवर असमंजस वानी। मानस भी कह रही है कि राजा दशरथ ने कहा कि भरत को राजा बना दे कोई बात नहीं लेकिन जो दूसरा वरदान राम को वनवास भेज रही है इसमें असमंजस है। राम को वनवास नहीं दे सकता तो मेरी पंक्ति कह रही है नहीं हाँ नहीं किया। दशरथ मरते मर गए लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि राम बन को जाएं। तो अब तो रोश मिटाओ रानी तू सरवर असमंजस वानी। तो लिखना पड़ा प्रिया को वचन देते पिया ही नहीं। लिखो 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 अच्छा जिनके गाने को गा रहे उन्हीं के सामने ऐसे ऐसे कर रहे हो। रुपया झगुआ भर कर लियो 100 रुपया दे नहीं रहे हो बातें इतनी छोंक रहे हो। सुनिए प्रिया को दिया वचन पिया ही नहीं तो मांग रही मांग मंगैया हो के कई के मांग रही मांग मंगैया पर ते वैया ने दिया ही। मांग रही मांग देवैया मांग मंगैया पर देवैया ने दिया ही नहीं। चाह रही है के कई के राम को वनवास हो जाए लेकिन राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए पर ये अपने मुंह से नहीं कहा कि जाओ के कई मैंने दूसरा वचन पूरा कर दिया। एक जगह और देखिए और एक टुकड़ा और लाने का प्रयास कर रही हूँ कि देने वाला दे रहा है मांगने वाला मांग रहा है। सुनिए सीता जी रावण के चंगुल में है अशोक वाटिका के नीचे बैठी है और वहाँ पर एक नारी और है उनके साथ त्रिजटा। त्रिजटा नाम की नारी जो राक्षसी है लेकिन सीता जी के पक्ष में है। तो देखिए पंक्ति मेरी कह रही है वो स्वामी जी ने लिख दिया कि आनी का थी रचू सीता बनाई आदरणीय सम्मानी भैया लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि सुनिएगा कि कैसे लाने का प्रयास कर रही हूँ कि दिया ही नहीं। सीता जी ने कहा आनी का थी रुचु आनी का थे रुचु सीता बनाई और माँ तू अनल पुनीते हूँ लगाई। धन्यवाद। सीता जी कह रही कि मैं चिता की आग में जलना चाहती हूँ और मुझे आग लगा दी जाए लेकिन मेरी पंक्ति कह रही है मिल ही ना पावक
राकेश जी अपन सुनिए, आपका दिल खुश हो जाएगा और आप भी सुनिए सशराज कमल जी। मिल ही न पावक क्या साज कमल का, मिल ही न पावक क्या साज कमल का, मौत भी है रूठी है राज कमल का। धन्यवाद है। देखिए क्या सीता जी सोच रही, क्या मुझसे मौत भी रूठ गई। गुरु ने तुमको समझाओ नहीं सिखाया। ये हमारे संदीप भैया की ओर से 101 मुद्राएं हमारे राज कमल दादा के लिए, जिन्होंने इस जवाब को लिखा है। एक बार तालियां बजनी चाहिए दोनों के लिए। धन्यवाद। सुनिए तो मिल ही न पावक क्या साज कमल का, मौत भी है रूठी क्या राज कमल का। सीता जी चाहे कि मुझे आग लग जाए, मुझे आग मिल जाए, लेकिन माने कहां पर माने किया ही नहीं। अग्नि ने भी नहीं किया, धरती माँ ने भी नहीं किया। माने कहां पर किया, माने कहां पर माने किया ही नहीं। तो मांग रही अग्नि सीता मैया हो। अब ये दूसरी माँ कौन, दूसरी है त्रिजटा। माँ सीता त्रिजटा से कह रही थी, हे मैया मैं चिता की आग में जलना चाहती हूँ, मैं बैठ गई हूँ, तुम मुझे आग लगा देना। तो मेरी पंक्ति कह रही है, माने कहां पर माने किया ही नहीं। तो मांग रही है सीता मैया, त्रिजटा मैया ने किया ही मांग रही है सीता मैया, मांग रही है सीता मैया, पर सीता माने किया ही नहीं। सीता माने किया ही नहीं, पर सीता माने किया ही नहीं।